हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ऑप्शंस ट्रेडर टुडे। सो टुडे मैं आप इस वीडियो में बताऊंगा कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और नेचुरल गैस किस तरह मूव कर रहे थे लास्ट वीक और ये कमोडिटीज़ किस तरह मूव कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। सी, अगर आप गोल्ड का चार्ट देखते हैं तो हमें एक पैटर्न दिख रहा है कि ये यू पैटर्न की तरह फॉर्म हो रहा है और प्रॉबिलिटी है कि अगर इस लेवल को सस्टेन करेगा तो ये और ऊपर की तरफ जा सकता है। ओके, ये यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है और ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को हिट करते हुए ऊपर जा रहा है। बट आप ये सुन लीजिए कि अगर मान लीजिए ये 1947-8 को सस्टेन करेगा तो प्रोबेबिलिटी है टुवर्ड्स 1955 जा सकता है, और अगर उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो प्रोबेबिलिटी है 1961 भी जा सकता है। ओके, और ये जो लेवल ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है दो बार, तो चांसेस हैं कि ये 1974 और इसके अगर ऊपर जाएगा तो प्रोबेबिलिटी है 1989 की तरफ जा सकता है। क्योंकि सपोज अगर इस लेवल को सस्टेन करते हुए ऊपर जाएगा तो प्रोबेबिलिटी है टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 1993। ओके, अगर उसको भी सस्टेन कर जाता है तो प्रोबेबिलिटी हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 2017 जाते हुए देख सकते हैं। ओके, नाउ वंस अगर ये 2017 के ऊपर जाएगा तो प्रोबेबिलिटी है हाई की तरफ जाते हुए जा सकता है। बट अगर मान लीजिए इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये टुवर्ड्स 1932 आ जाए, और 1932 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाया तो प्रोबेबिलिटी है 1918 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको भी सस्टेन नहीं कर पाए तो हम देख सकते हैं ये टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 1879 जा सकता है और उसके नीचे भी जा सकता है। बट अगर हम सिल्वर की बात करें, तो देखिए सिल्वर एक रेंज में बहुत टाइम से बना हुआ है। अगर आप देखते हैं तो अगस्त से बना हुआ है, ठीक है, और अगर इस रेंज में देखें, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो पर्टिकुलर रेंज है 21.4, ये जो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है दो बार, ठीक है, दो बार टेस्ट हो चुका है, तो अगर ये इसके पास करीब आता है 22.4 या 22 समथिंग और इसको सस्टेन नहीं कर पाए, देन वी कैन सी ये नीचे की तरफ जाते हुए और इसको नीचे जा सकता है और फिर 19.3 जा सकता है, ठीक है। अगर सपोज़ ये इस लेवल को सस्टेन करता है तो चांसेस हैं कि ये 24.9 जा सकता है। अगर उसको भी सस्टेन कर जाता है फिर प्रोबेबिलिटी है इसकी 25.3 जाने की, ठीक है। अगर मान लीजिए 25.3 सस्टेन कर जाता है तो उसके ऊपर ये चांसेस हैं कि 25.8 तरफ जा सकता है और उसके ऊपर तब इस रेंज को तोड़ के फिर ये हाई की तरफ 26.9 की तरफ भी जा सकता है। बट अगर मान लीजिए उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है तो ये 24.113 आ सकता है, जो कि इसका कैंडल का लो है। अगर इसको भी सस्टेन नहीं कर पाया फिर हम इसको और नीचे हुए जाते देख सकते हैं 23.4। ओके, एनी इन दिस पर्टिकुलर जोन में आप देखिए एक नैरो पैटर्न की तरह फॉर्म हो रहा है। अगर ये नैरो पैटर्न डाउनसाइड जाता है, इसको मतलब दैट मीन्स अगर वो 24.3 को तोड़ता है तो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी इसकी कि 23.3 तक जाने की प्रोबेबिलिटी। अगर हम क्रूड की बात करें, सी अगर आप क्रूड देखेंगे, तो क्रूड ने एक लो मारा है अराउंड 93 का, और आप समझ लीजिए 93 ऑलरेडी एक सपोर्ट है जो वीक हो चुका है, ये कीप दिस इन माइंड। ओके, तो अगर ये मान लीजिए अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है और आता है अराउंड सस्टेन नहीं कर पाया और 95.47 के पास आता है, ठीक है, 95.47, सो वंस अगर ये इस लेवल के नीचे आता है फिर उसके बाद आप ये जान लीजिए कि 93.99 टच कर सकता है। ओके, अगर ये इसको टच करता है तो प्रोबेबिलिटी इसकी कि इसको ब्रेक कर सकता है डाउनसाइड और फिर ये 88 की तरफ आ सकता है, और अगर 88 की तरफ आ गया तो उसके नीचे ये 85.56 भी जा सकता है। 85.56 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है डाउनसाइड तो हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 75 जाते हुए देख सकते हैं। बट अगर मान लीजिए कि इस लेवल को सस्टेन कर जाता है, जो पर्टिकुलर लेवल चल रहा है 97.76, अगर उसको सस्टेन करता है तो प्रोबेबिलिटी है इसको 100.43, और उसको भी सस्टेन करता है अपसाइड तो टुवर्ड्स अ लेवल 105.38 जा सकता है, ठीक है। अगर उस लेवल को भी सस्टेन करेगा तो प्रोबेबिलिटी है 109.35 जा सकता है, और अगर उसको भी सस्टेन कर गया ऊपर की तरफ तो 112.32 जा सकता है। ओके, और ये जो लेवल है मैंने आपको पहले भी बता चुका है क्रूड से कि ये जो वेन एवर इट हिट्स अ हाई ये नीचे की तरफ जा रहा है। देखिए ये हिट मारा नीचे गया, ये दूसरे टाइम मारा नीचे गया, तीसरे टाइम मारा नीचे गया, और ये फिफ्थ टाइम था हाई मार के नीचे तरफ आ रहा है। तो एक याद रखना, ये सपोर्ट इसको टच नहीं कर पा रहा है, उससे पहले ही अगर हम तीनों सिचुएशन में देखें तो पहले ही अपसाइड मारता है, ठीक है। अगर नेचुरल गैस की बात करें, ठीक है, आप नेचुरल गैस की बात करें तो आप देखिए कि नेचुरल गैस की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई थी जाने की, क्योंकि इसमें एक यू पैटर्न फॉर्म हो रहा था, ठीक है, और
प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो गई थी इसकी ऊपर जाने की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वार के चांसेस तो हाई थे ही ऊपर जाने के, बट इसका जो पैटर्न बन रहा था वो एक यू पैटर्न की तरफ फॉर्म हो रहा था, जिससे कि हमें पता चल रहा था कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। और इसने बहुत टाइम से ये रिंग नहीं तोड़ी थी, तो ये तोड़ने के बाद इसने बहुत हाई गया। अगर ये देखिए, और आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था कि अराउंड 6.3 और 6.5 की तरफ जाएगा, तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है, ये जब पर्टिकुलर लेवल टच करेगा तो एक बाउंस बैक देख सकते हैं हम, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था वो टेस्ट नहीं हुआ था, तो प्रोबेबिलिटी इसकी हाई थी कि वापस आए। और आप देखिए 3.6.376 पे चल रहा है, और अगर आप देखेंगे तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो अराउंड 6.285 है, तो इसको टच करके जब ये बाउंस बैक करेगा तो हम इसको और ऊपर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं, और ये 6.5 को भी शायद क्रॉस कर जाए, ठीक है। मान लीजिए अगर ये उसको क्रॉस नहीं करता है, इस लेवल से नीचे गिरता है, और जो कि सपोर्ट है 6.322 अगर इसको तोड़ता है, तो ये प्रोबेबिलिटी है इसकी तरफ और नीचे की तरफ आ सकता है, और टच कर सकता है अराउंड 6.079। अगर उसको भी सस्टेन नहीं कर पाया तो 5.929। अगर उस लेवल के भी नीचे जाता है तो प्रोबेबिलिटी हम इसको 5.854, और फिर नीचे जाएगा तो 5.704 टच कर सकता है, ठीक है। अगर उसके नीचे जाएगा तो प्रोबेबिलिटी इसके 5.476, एंड उसके नीचे जाएगा तो 5.330 की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। अगर ये इस लेवल को भी सस्टेन नहीं कर पाया तो प्रोबेबिलिटी है 5.217, और उसके नीचे जाएगा तो प्रोबेबिलिटी है 5.068 भी टच कर सकता है। एनी डाउट आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।